दोस्तों ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो A12e को लेकर कई सारे लीक्स जो कि सामने आ चुके हैं और ऐसे में यूजर्स को ये स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन ओप्पो A12e की चर्चाओं के बीच कंपनी एक नया स्मार्टफोन ओप्पो A12e को लॉन्च कर दिया है। हालांकि कंपनी ने इसके लॉन्च से जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन ओप्पो की ऑफिशियली वेबसाइट पर यह स्मार्टफोन को लिस्ट कर दिया है, जहाँ पर यह स्मार्टफोन की इमेज और फीचर्स की जानकारी मिलती है। इसके अलावा ओप्पो A12e स्मार्टफोन वियतनाम की वेबसाइट पर लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग के मुताबिक ये स्मार्टफोन रेड और पर्पल दो कलर वेरिएंट में अवेलेबल होगा। हालांकि फ़ोन की प्राइस और अवेलेबल को लेके फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लिस्टिंग के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ये स्मार्टफोन जल्द ही मार्केट में देखने को मिल जाएगा और इसे एंट्री लेवल फीचर्स के साथ पेश किया जा सकता है। दोस्तों ओप्पो A12e की फीचर्स की बात किया जाए तो 2 साल पहले लॉन्च हुए ओप्पो A3s का रीब्रांड वर्जन लगता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन की फीचर्स काफी हद तक ओप्पो A3s के समान देखने को मिलती है। अब जैसे कि ओप्पो A12e 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच से लेस है, और इसकी डिस्प्ले जो कि 90:9 की एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। साथ ही स्मार्टफोन में मिलने वाली प्रोसेसर की बात किया जाए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट के साथ आता है और इसमें 3GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 8 ओरियो के साथ कलर OS 5.1 पे रन करता है। स्मार्टफोन की फोटोग्राफी की बात किया जाए तो रियर साइड में ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें कि 13 MP का मेन कैमरा इसके अलावा 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा के साथ आता है और सेल्फी की बात किया जाए तो यहाँ पे 8 MP का सेल्फी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पावर बैकअप के लिए स्मार्टफोन में 4230 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 10 वाट की चार्जिंग के साथ आता है। दोस्तों प्राइवेसी फीचर्स की बात किया जाए तो ये स्मार्टफोन फेस अनलॉक जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर की बात किया जाए तो ये स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि ये स्मार्टफोन जल्द से जल्द इंडिया में लॉन्च किया जाए। साथ ही प्राइस सेगमेंट की बात किया जाए तो ये स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस लगभग 7,000 रुपये से स्टार्ट होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।